राजा राम चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर ग्राउंड से सर्वप्रथम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये परंपरा खेलों की भावना एक बार पुनः उन्होंने जागृत करके बच्चों को खेल की भावना से प्रेरित किया और ये बच्चे से इस खेल की भावना से सद्भावना भाईचारा प्रेम और प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिला। अगर ऐसी ही परंपरा हर वर्ष होती रही तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि राजस्थान सरकार के इस पहल से बहुत अच्छे छात्र जिला स्तर पर और जिला से स्टेट लेवल पर और स्टेट से राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे और इनका निश्चित रूप से इन बच्चों को लाभ मिलेगा। आने वाली जो नौकरियां होंगी उनमें भी खेल की भावना जागृत होगी और ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे भारत में, पूरे देश, पूरे भारत में और अन्य राज्य भी इनकी आगामी वर्षों में इनका पहल करेंगे और इससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन और लाभदायक होगा। इतना ही कहकर मैं फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की इस बजट घोषणा 62 की अनुपालना में मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा ही प्रोग्राम कार्यक्रम करता रहें। जय जवान, जय हिंद, जय राजस्थान। मेरा नाम शालू, महात्मा गांधी स्कूल रामपुर से। हमने ग्रामीण ओलंपिक खेल में भाग लिया जिसमें हम सेमीफाइनल तक पहुंचे और हम अशोक गहलोत जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। Hello everyone, this is Anjali Singh from MGGS Rampur and I would like to thank our Chief Minister Honorable Mr. Ashok Gehlot for organizing such a grand level of games, Rajiv Gandhi Grameen Olympic Games. This is really a great step forward for increasing the patriotism and brotherhood in the society. Really great step. I would like to thank his team and especially all the villagers who have supported very much in this. So this was a combination of villagers and the schools, in fact, and this was really a successful project and we have enjoyed a lot here. And of course children are very happy, they learnt a lot about the patriotism, about the brotherhood and harmony in the society. Thank you. Thank you.
सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमला जाखड़, फिजिकल टीचर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊंचपुर बांसुर अलवर, कबड्डी के निर्णायक हूँ। 226 टीमें यहाँ पे भाग ले रही हैं। 12 से 15 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलेंगे। हम अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑफिशिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया जाए कि यहाँ पे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल सब बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री SOG गहलोत का, जिन्होंने इस राजीव गांधी ओलंपिक खेल को बढ़ावा दिया, जिससे अच्छे अच्छे प्लेयर आगे उभर के आएंगे। जैसे ACBO साहब, इंदिरा जी गुज्जर, सभी ने, प्रिंसिपल सर, इन्होंने भी हमारा खूब सपोर्ट किया। जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रहते हैं और हम अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को संपन्न करवाएंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की बजट घोषणा 62 की अनुपालना में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा बहुत ही सराहनीय है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जो गरीब बच्चे हैं वो अपना जज्बा दिखा सकते हैं और खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखा करके और अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत ही शानदार और सराहनीय प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने, युवाओं को आगे बढ़ाने और प्रत्येक जो खिलाड़ी है, जो अपना जिस क्षेत्र में अपना प्रतिभा रखता है, यहाँ इस समय खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट के टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 12 तारीख से शुरू है ये खेल, 15 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे। अभी जो टीमें हैं वो क्वार्टर फाइनल में अपना भाग आजमा रही हैं। बहुत ही यहाँ जो एक तरह से पूरा जो राजस्थान है वो खेल में रंग में रंगा हुआ है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे सभी हम बहुत ही प्रेम से, सद्भाव से एक दूसरे के साथ और बहुत ही निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आभार और इस तरह की वो योजनाएं भविष्य में भी लाते रहें और इस योजना को आगे बढ़ाएँ। एक बार पुनः मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार। बांसुर में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में प्रशासन की बेहतरीन सुविधा रही है और जो ये टीम मैचेस चल रहे हैं, आज इसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन पर आज क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं। इसमें 226 टीमों ने भाग लिया है और इसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या है जो 2596 खिलाड़ी हैं। और ऐसे शानदार मैचों के आयोजन के लिए, टूर्नामेंट के आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और भविष्य में ये ऐसा टूर्नामेंट और करवाते रहें। इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और ताकि जो अच्छे खिलाड़ी हैं राजस्थान से निकल सकें और अच्छा खेलें और आगे जाके राजस्थान का नाम करें।
मेरा नाम अरविंद यादव, मैं गांव गूता ग्राम पंचायत गूता से कबड्डी टीम का प्लेयर, जो कि आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में मैंने पार्टिसिपेट किया है, जो कि मेरी कबड्डी की टीम क्वार्टर फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है। और मैं श्री सीएम साहब अशोक गहलोत जी का मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे सामने पेश किया है, जिससे गांव के खिलाड़ी अपना गेम दिखाकर और अपने राज्य के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिससे हर खिलाड़ी खेल की भावना से खेलेगा और नए खिलाड़ी हमारे राज्य के लिए ओलंपिक तक मेडल ले रहेंगे। धन्यवाद। मैं सपना सेकात राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास में पढ़ती हूँ और यहाँ पे राजीव गांधी ओलंपिक खेल हुए हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं। इनमें मैं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जीत हासिल करके यहाँ तक पहुँचे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे गरीब बच्चों को भी आगे निखरने का वक्त मिला है। उनका मैं बहुत ज्यादा आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मैं अपने दिल से हार्दिक उनका बहुत ज्यादा आदर करना चाहती हूँ। तो फिट राजस्थान, फिट राजस्थान, फिट राजस्थान, फिट राजस्थान। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर में हो रहा है। ये राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार ये चाह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं जो छिपी हुई हैं, उन छिपी हुई प्रतिभाओं को आखिर बाहर स्टेट लेवल पे कैसे लाया जाए, इस बात को लेकर के ये मैच किए जा रहे हैं। और ये अभी 6 गेम इसमें चल रहे हैं, जिसमें 4 गेम महिला पुरुष छात्र छात्रा के लिए हैं और बाकी जो हैं टोटल बॉयज़ के लिए 6 के 6 गेम, 4 गेम ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स भी हैं और 2 में मतलब गर्ल्स नहीं है, इस तरीके से गेम है। और यहाँ मतलब बानसूर में मैं ये मानता हूँ कि 226 जो टीम इकट्ठी हुई हैं और ऐसा आयोजन ऐतिहासिक आयोजन है। और जो हमारे वीडियो साहब हैं, एडिशनल वीडियो साहब अजय जी हैं, हमारे CBO साहब हैं, मनोज जी सेकावत साहब हैं, सब ने, और हमारे जो राम उतार जी अरुण साहब हैं, सब ने मतलब मिलकर के इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि हर व्यवस्थाएं मतलब समय समय पे उपलब्ध हो रही हैं। किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। खाने की व्यवस्था भी जैसे हमारे प्रधान जी की तरफ से की गई थी भामाशाह के रूप में, और वो व्यवस्थाएं भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, किसी तरह की कोई दिक्कत। और मैं इंद्राज गुर्जर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बानसूर में कार्यरत हूँ। ब्लॉक स्तर पर जो भी खेलकूद प्रतियोगिता होती है, उनके एक प्रभारी के नाते मैं यहाँ हमेशा लगभग हर समय मौजूद रहता हूँ। किसी तरह की कोई भी समस्याएं जब आती हैं तो हम हमारे पार्टिसिपेट से बात करके उनका तुरंत निराकरण भी करते हैं। और जैसा कि हमारे SDM साहब इसके पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, SDM साहब ने भी पूरी तरीके से पूरा समय इस कार्यक्रम को दिया है लगातार। जैसे अगर मेडिकल की आवश्यकता है तो मेडिकल व्यवस्थाएँ तुरंत उपलब्ध होती हैं। पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का अगर कहीं कोई इश्यू आता है तो तुरंत पुलिस व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की जो सोच थी वो बहुत अच्छी सोच है और उस सोच के हिसाब से हम लोग उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं। और यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो जो खेलकूद है बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है, किसी तरह की भी अव्यवस्था नहीं। हार जिन विद्यार्थियों को मिलती है वो बिल्कुल अपने हार को स्वीकार कर रहे हैं, और जिनको जीत है तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, जो हारे हुए खिलाड़ियों को कहीं कोई दिक्कतें आएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो आयोजन है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत है। और आप लोग मीडिया वालों को अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे इस कार्यक्रम को पूरे स्टेट लेवल पे और पूरे कंट्री के लेवल पे आप इसको बता रहे हैं, फैला रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामावत अरुण, अध्यक्ष ब्लॉक स्त्रीय संस्था प्रधान विभाग पीठ फोरम बानसूर, वर्तमान में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माजरा डाकुड़ा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
उनकी सरकार के द्वारा श्री राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिताएं जो ग्रामीण स्तर से राज्य स्तर तक प्रारंभ की गई हैं वो काबिले तारीफ हैं। एक ऐतिहासिक आयोजन है, धाणी से लेकर के और बड़े से बड़े गांव तक के इसमें बालक से लेकर के वृद्ध तक, दादा और पोता एक साथ खेल रहे हैं। इतना अच्छा आयोजन कई वर्षों बाद में खेल के प्रति जो राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जुनून पैदा किया गया है, हर स्तर पर आयोजन बहुत अच्छा, चाहे ग्राम स्तर हो चाहे ब्लॉक स्तर हो, अभी इतना सुंदर आयोजन किया गया है। यहाँ SDM साहब श्री राहुल सैनी जी और उनका प्रशासन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री मनोज सिंह जी शेखावत, ACBO श्री राजेंद्र जी, श्री इंद्राज सिंह जी, BDO साहब, सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें मीडिया के साथ में स्थानीय क्षेत्र में हमारे यहाँ पर युवजागृति संस्थान की ओर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हर क्षेत्र में आप बहुत कार्य कर रहे हैं, बच्चों को सहयोग दे रहे हैं खेल कूद में। वर्षों बाद में एक ऐसा आयोजन हुआ है जो ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने में बहुत अच्छा सहयोग देगा। गांव से लेकर के ओलंपिक तक पहुंचेंगे ये बालक, बहुत अच्छी प्रतिभाएं आ रही है। बालिकाओं में इतना जुनून है, इतना जोश है कि हर खेल को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, दर्शकों के हुजूम उमड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूरा जो ब्लॉक स्तरीय प्रशासन है वानसुर का, वो उसमें लगा हुआ है, सहयोग दे रहा है। मुझे भी यहाँ एक तरह से संस्था प्रधान अध्यक्ष होने के नाते पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भूमिका निभा रहा हूँ। सुबह 6 बजे से सांझ को 8 बजे तक लगे रहते हैं यहाँ पर, सभी टीमें, टीम प्रभारी, निर्णायक, सभी खिलाड़ी अपनी अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। सभी अधिकारी बहुत अच्छे रूप में इन खेलों को एक सफलता स्वरूप देने के रूप में लगे हुए हैं। सरकार से ये मेरी दरख्वास्त है, निवेदन है कि ये ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद हमेशा जारी रहें, ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशा जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए मौके दिए जाएँ, और जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें उन्हें नौकरी आदि का प्रावधान भी इसमें और अधिक किया जाए। राजस्थान कई वर्षों से खेल में पिछड़ा है, अब काफ़ी आगे बढ़ गया है, और ये जो राजीव गांधी खेलकूद प्रतियोगिताएँ ये मील का पत्थर साबित होंगी। हम लोग विद्यालय स्तर से लेकर के गांव के उस उच्च स्तर तक, जहां पर छोटे से लेकर बड़े तक एक साथ खेल रहे हैं, सद्भावनापूर्ण खेल रहे हैं, बिना किसी विरोध के, बिना किसी एक विरोध के लगातार यानी कि ये खेल जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी खिलाड़ी, सभी निर्णायक, सभी ग्रामीण, सभी दर्शक इसमें अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं पुनः इस बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन के लिए यहाँ के स्थानीय तो नोडल प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी यादव, उनकी टीम, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के जितने भी अधिकारी हैं, ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, SDM साहब, तहसीलदार साहब और पूरी जो निर्णायक टीम है वो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसा आयोजन अब तक 3 रोज में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, इसी प्रकार जारी रहे। सभी को, सभी खिलाड़ियों को, सभी निर्णायकों को, पूरे टीम प्रबंधन को मैं स्थानीय ब्लॉक स्तर का संस्था प्रधान संघ का अध्यक्ष होने के नाते शुभकामनाएं देता हूं और सभी के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ओलंपिक। मैं सुभाष चंद्र यादव, प्रिंसिपल शेठ चंटूलाल धन्नालाल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर। मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लॉक स्तरीय जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 12 सितंबर से 15 सितंबर तक चल रहे हैं, यानी एक इनका एक ऐसा भव्य आयोजन एक इस हिसाब से यानी ये संचालित किए जा रहे हैं कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता।
आज तक का सबसे भव्य प्रोग्राम, ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम मैंने नहीं देखा है। हमारे जो राजस्थान के यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी श्रीमान जी अशोक गहलोत जी हैं और हमारी जो बहन जी है उद्योग मंत्री शकुंतला जी रावत, इनका जो इतना भरसक प्रयास कि इनके द्वारा निर्धारित जो योजनाएं हैं वो योजनाएं सुंदर योजनाएं, यानी इस भव्य आयोजन से ऐसा लगता है कि एक सुंदर धरातल का निर्माण कर रही है और इसमें आपसी प्रेम, भाईचारा और यानी ये जो सारी जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं यहाँ दिखाई दे रही हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण है जो इतना अच्छा है कि इस गेम में छोटे बड़े यानी और हमारा जो प्रशासन है CBO कार्यालय से SDM कार्यालय से ये सारे के सारे जो अधिकारी जी हैं और हमारा जो स्टाफ है ये इनकी इतनी अच्छी अहम भूमिका है कि मैं कह नहीं सकता। और हमारे जो प्रधानाचार्य संघ के जो अध्यक्ष जी हैं रामुतार जी, अरुण जी हैं, CBO साहब इंद्राज जी हैं, हमेशा इतने तत्पर हैं और इनका बहुत अच्छा सहयोग है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ओलंपिक खेल हर साल होने चाहिए, एक जनता में जागरूकता पैदा हुई है और यानी हर जो इंसान है जो इसकी तरफ आकर्षित हुआ है और यहाँ का जो माहौल इतना बढ़िया माहौल पैदा हो गया है कि यहाँ पर दर्शकों की भीड़ इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं सुंदर योजनाएं हैं, ये सुंदर योजनाएं एक सुंदर धरातल का निर्माण कर रही हैं और इसके साथ ही यानी उसमें एक चार चांद लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे भव्य जो खेलों का जो आयोजन है ये हर साल होना चाहिए और इससे क्या है कि जनता में एक बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है और ये संदेश इतना फैल गया कि लोगों का रुझान इसकी तरफ मतलब ऑटोमेटिक इतना बढ़ गया कि लोगों का मतलब एक तरह से ये दिल में बात उनकी हो गई कि हम भी अगली बार इसमें शामिल होंगे और अगली बार जो टीमें आएंगी तो मैं तो ये कहता हूँ कि इससे भी और ज़्यादा भव्य प्रोग्राम होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो सुंदर योजनाएँ हैं जो सुंदर धरातल का निर्माण कर रही हैं यह हमारी राज्य सरकार की जो एक बहुत ही अच्छी पहल है और ये जो पहल है इससे पूरी जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर, जिला अलवर से हूँ। बजट घोषणा 2021-22 में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत और हमारे खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की एक अनूठी घोषणा बजट में की थी, उसी को धरातल पर उतारने के लिए इस वर्ष 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक खेल विभिन्न स्तरों से, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर के अलग अलग चरण थे, उस चरण के द्वितीय चरण में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं सेठ चंटूलाल धन्नालाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय ये संपूर्ण प्रतियोगिताएं, हालांकि जगह को देखते हुए हमने 3 अतिरिक्त ग्राउंड सेंट जेवियर स्कूल के पास मॉडल स्कूल रामनगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूपसेड़ा और इसी से लगता हुआ राजकीय कॉलेज के ग्राउंड पे प्रतियोगिताएं आयोजित की। इसमें कुल 226 टीमें भाग ले रही थी और पिछले 3 दिनों से ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में ब्लॉक बानसूर से हमारे सम्माननीय SDM साहब, CBO साहब, ACBO साहब, स्कूल के प्रधानाचार्य, हमारे ब्लॉक स्तर के कार्मिक, उनका पूरा सहयोग इस प्रतियोगिता में रहा है और सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ खिलाड़ियों के लिए और जो इस प्रतियोगिता को आयोजन करवाने खासतौर से हमारे शारीरिक शिक्षक, जिसमें महिला शारीरिक शिक्षक और पूरी ब्लॉक की विद्यालय के जो अन्य हमारे PO साहिबान हैं, अन्य सहायक जो सपोर्टर टीचर लगे हुए हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहा है और प्रशासन स्तर से बहुत ही अच्छी व्यवस्था
की गई है। यहाँ पर किसी भी तरह की खिलाड़ियों की इंजरीज के लिए पूरी मेडिकल टीम बैठी हुई है और सारे ब्लॉक स्तर के जिन जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई है वो अधिकारी कर्मचारी यहाँ हर समय मौजूद हैं। अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ प्रशासन की तरफ से की गई हैं। बहुत ही अच्छा खेल की भावना से यहाँ खेल चल रहा है। तो इससे मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछले दो वर्ष कोरोना काल में हमारे गुजरे और बच्चों में एक सुस्ती सी आ गई थी, खेलों के प्रति उनका जो रुझान कम हो गया था, उसके लिए एक महती योजना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब द्वारा शुरू की गई है। बहुत ही अच्छा इसका परिणाम देखने पर आ रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन हर वर्ष हों ताकि राजस्थान में खेलों को बढ़ावा मिले और राजस्थान की टीमें यहीं नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन करें। अच्छी तरह प्रतियोगिता हो रही है, सभी जीतने वाले और हारने वाले खिलाड़ी और इसके आयोजन के सभी अधिकारी कर्मचारियों को और जो भी सहयोगी हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।